हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो सबसे पहले तो सब लोग को गुड इवनिंग। और देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपकी जो त्रैमासिक परीक्षा चल रही है, तो कक्षा 12वीं वालों के लिए मैं यहाँ पे कुछ स्पेशल ये वीडियो है आप सबके लिए, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, तो आप इसको अच्छे से देख लें। कक्षा 12वीं वाले जो कि आपका 11 अक्टूबर यानी कि मंडे को आपका जो पेपर होने वाला है, त्रैमासिक परीक्षा पेपर, वो जो आपका केमिस्ट्री का होने वाला है, ठीक है, केमिस्ट्री का यानी कि रसायन शास्त्र का आपका पेपर है 11 अक्टूबर को, तो उसके लिए जो आपका पेपर होने वाला है उसके लिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे पास आ चुके हैं, जो क्वेश्चंस आपकी त्रैमासिक परीक्षा में आने हैं। तो सभी क्वेश्चन मेरे पास आ चुके हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लें। इनके आंसर आपके पास ऑलरेडी हैं, तो आप इन सिर्फ क्वेश्चंस देख लीजिए, इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है, क्योंकि ये त्रैमासिक परीक्षा में आपको आएंगे ही आएंगे। तो और अगर आपके पास इनके सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, इनके आंसर्स आपके पास नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपको आंसर भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है। जितना भी आपको मटेरियल आना है सभी के आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अगर आपके पास नहीं है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए, तो आपको आंसर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और इसके बाद मैं एक और वीडियो अपलोड करूँगा, उसमें मैं सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दूंगा जो आपको त्रैमासिक परीक्षा में आने हैं। तो पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख लें, इस शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं। पहला क्वेश्चन है, मूल प्रभाज किसे कहते हैं, समझाइए। नेक्स्ट है, मूल अर्थता को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट है, अणुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं। नेक्स्ट चौथा, हेनरी का नियम लिखिए एवं उसके अनुप्रयोग लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पाँचवा क्वेश्चन है, ठंडे देशों में गाड़ी के रेडिएटर में जल के साथ ग्लाइकोल का उपयोग करते हैं क्यों। छठवा है आपका, कोलरॉस का नियम लिखिए। और सातवां क्वेश्चन है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सचित्र वर्णन करो। नेक्स्ट है आपका आठवां, विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं। विशिष्ट चालकता एवं सेल स्थिरांक के मध्य संबंध लिखिए। नेक्स्ट है आपका नौवां, यहाँ पे आपको 0.00241 मीटर एसिटिक अम्ल, सॉरी यहाँ पे एम का मतलब मीटर से नहीं है, ठीक है, यहाँ पे मूलरता या मूलता, ठीक है, ये आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो उससे है, ठीक है, तो आप इसको देख लें, मोल बिलियन में एसिटिक अम्ल की चालकता, ये आपका यहाँ पर पूरा क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट कर लें आप, ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका दसवां, किस प्रकार की लिगेंड कीलेट बनाते हैं। ग्यारहवा है, बर्नर के सिद्धांत के अनुसार धातुओं की कितनी प्रकार की संयोजकताएँ होती हैं। इसके बाद बारहवा क्वेश्चन, द्विक लवण एवं संकुल यौगिक में अंतर लिखिए। तेरहवा क्वेश्चन है, लिगेंड क्या है लिखिए। चौदहवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपसह संयोजन यौगिकों के सूत्र लिखिए। पहला है ट्रेटाएमीन डाई एक्वा कोबाल्ट, दूसरा है क्लोराइड, तीसरा है पोटेशियम ट्रेटाएमीन साइनडो निकिलेट। पंद्रहवा क्वेश्चन आप देख लें, प्रभावी परमाणु संख्या EAN क्या है, एक उदाहरण देकर समझाइए। सोलहवा क्वेश्चन देख लें आप, निम्न कार्बनिक हैलोजन यौगिक की संरचना दीजिए। जो आपको यहाँ पे पांच दिए गए हैं इनकी आपको संरचना देनी है, ठीक है, इनकी आपको संरचना बनानी है। सत्रहवा क्वेश्चन है, एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन व द्विक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को समझाइए। अठारहवा क्वेश्चन है आपका, क्लोरोबेंजीन में निम्न अभिक्रियाओं को समझाइए। फर्स्ट है आपकी हैलोजनीकरण, सेकेंड है नाइट्रीकरण, और थर्ड है आपकी सल्फोनीकरण, नेक्स्ट फोर्थ है आपकी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। 19वां क्वेश्चन है, अल्कोहल की अपेक्षा फिनोल अधिक अम्लीय होते हैं क्यों। नेक्स्ट है आपका 20वां, फिनोल तथा अल्कोहल में अंतर स्पष्ट करो। 21वां क्वेश्चन, विलियमसन अविरल इथरीकरण क्या है समझाइए। नेक्स्ट है आपका, अल्कोहल के क्वथनांक संगत ईथरों से अधिक होते हैं क्यों। 23वां है, किण्वनीकरण क्रिया को समझाइए। 24वां क्वेश्चन है आपका, डाई एथिल ईथर के कोई तीन उपयोग लिखिए। तो इसमें 24 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट हैं आपको त्रैमासिक परीक्षा की दृष्टि से, तो इन 24 क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। इनके आंसर अगर नहीं है तो कमेंट बॉक्स में बेहिचक कमेंट कीजिए, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं वो भी आपको जल्द से जल्द मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इसके आगे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। थैंक यू।